हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, वाक्य, सेंटेंस। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं, जैसे नीचे कुछ चित्र दिए हैं। आइए उनको पढ़ते हैं। फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं, मोर नाच रहा है, लेकिन प्रत्येक शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे मंडरा फूलों पर रही हैं तितलियाँ, है रहा नाच मोर, उपयुक्त शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि इनसे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए वाक्य बनाने के लिए सार्थक शब्दों को क्रम में लिखना आवश्यक है। बच्चों, वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। विशेष वाक्य की पहचान यह है कि अर्थ को स्पष्ट करते हुए अंत में प्रायः पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, और बोलने में प्रत्येक वाक्य के बाद हम कुछ देर रुक जाते हैं। तो बच्चों, इसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। हम प्रत्येक वाक्य में दो बातें देखते हैं। हम सबसे पहले वाक्य में किसी आदमी या चीज के बारे में बात करते हैं, फिर उस आदमी या चीज़ के काम के बारे में बात करते हैं। जैसे रवि पढ़ रहा है। बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया गया है, रवि पढ़ रहा है। इस वाक्य में रवि उद्देश्य है और रवि के बारे में कहा गया है पढ़ रहा है, वह विधेय है। बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। बच्चों, चित्र में आप देखेंगे कि बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे उद्देश्य हैं और बच्चों के बारे में कहा गया है हॉकी खेल रहे हैं, विधेय है। आगे देखते हैं, माता जी फल खरीद रही हैं। माता जी उद्देश्य हैं और माता जी के बारे में कहा गया फल खरीद रही हैं, विधेय है। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। पहला, भारती सुंदर चित्र बनाती है। दूसरा, सहवाग ने श्रीलंका की टीम की छुट्टी कर दी। तीसरा, माताजी टीवी देख रही हैं। चौथा, हिरन बहुत तेज दौड़ रहा है। अब इन वाक्यों के दो मुख्य भागों में बांट दो, उद्देश्य विधेय। भारती उद्देश्य है और विधेय सुंदर चित्र बनाती है। सहवाग ने उद्देश्य, श्रीलंका की टीम की छुट्टी कर दी विधेय, माताजी उद्देश्य टीवी देख रही है विधेय, हिरन उद्देश्य बहुत तेज दौड़ रहा है विधेय। बच्चों, आपने सीखा शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय। जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।